दोस्तों एक बार फिर से आप तमाम साथियों का स्वागत है मोहम्मद असरार ऑफिशियल चैनल में। दोस्तों हम इस चैनल के खासकर इस वीडियो के माध्यम से आप तक एक बहुत बड़ी खबर लेकर हाजिर हो चुका हूं। आप जानते हैं पिछले कई दिनों से लगातार उत्तर प्रदेश के वाराणसी के जामा मस्जिद ज्ञानवापी मस्जिद को लेकर विवाद चल रहा है, जिसमें ऐसा संभव लग रहा है कि बाबरी मस्जिद की तरह हिंदू संगठन के लोग इस मस्जिद को भी तोड़ देंगे और इसकी जगह में मंदिर बनवा देंगे। आप जानते हैं लगातार सोशल मीडिया के माध्यम से, न्यूज़ चैनलों के माध्यम से इस बात को वायरल किया जा रहा है कि वहाँ पर शिवलिंग मिला है, वहाँ पर पहले मंदिर था, उसके बाद जो औरंगजेब जो है उस मंदिर को तोड़कर वहाँ पर पुनः जो है नई सिरे से वहाँ पर मस्जिद बनाया था और फिर उस मस्जिद में वो लोग अल्लाह की बंदगी यानी इबादत क्या करते थे। दोस्तों ये सारी सबूत इकट्ठा कर लिया गया है और इसकी सुनवाई आज कोर्ट में होना है। लेकिन दोस्तों इसी बीच एक और बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। वो खबर यह है कि आप इस स्क्रीनशॉट को आप देख सकते हैं जिसको मैं आपको दिखा रहा हूँ। वाराणसी की ज्ञानवापी मस्जिद पर जारी विवाद के बीच कर्नाटक के श्रीरंगपट्टन की जामा मस्जिद को हिंदू संगठनों ने हनुमान मंदिर बता दिया है। हिंदू संगठनों ने दावा किया है कि वहाँ पहले एक मंदिर हुआ करता था जिसे टीपू सुल्तान ने तोड़कर उसकी जगह मस्जिद का निर्माण करवाया, जिसे लेकर अब विवाद शुरू हो चुका है। हिंदू संगठनों ने उस मस्जिद में पूजा करने की मांग कर दी है। दोस्तों बहुत बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है। आए दिन हिंदुस्तान के अंदर किसी ना किसी राज्य में, सबसे ज़्यादा अगर देखा जाए तो उत्तर प्रदेश में मुसलमानों को टारगेट किया जा रहा है, मुसलमानों की मस्जिदों को तोड़ा जा रहा है, मुसलमानों के मदरसों को ध्वस्त किया जा रहा है, उसमें बुलडोजर चला दिया जा रहा है। दोस्तों आए दिन ये भगवाधारी, ये गैर मुस्लिम लोग मुसलमानों को टारगेट कर रहे हैं, इस्लाम को बदनाम करने की कोशिश कर रहे हैं और जो भी मुसलमान के जो पूर्वज थे, चाहे वो औरंगजेब हो, चाहे कुतुब मीनार को बनाने वाले हो, चाहे ताजमहल को बनाने वाले हो, दोस्तों इन सारी चीज़ों को लेकर ये भगवाधारी, ये गैर मुस्लिम लोग, ये हिंदू संगठन के लोग ये अपनी औकात दिखा रहे हैं और मुसलमानों को टारगेट में ले रहे हैं। दोस्तों देखने वाली बात यह होगी कि क्या बाबरी मस्जिद की तरह ज्ञानवापी मस्जिद को भी गिरा दिया जाएगा और वहाँ पर मंदिर बना दिया जाएगा। दोस्तों इसी बीच जो बड़ी खबर निकल कर सामने आ रही है, जो अभी अभी की ये बेहतरीन रिपोर्ट है और ये एबीपी न्यूज़ की रिपोर्ट मैं आपको दिखा रहा हूँ, जिसमें के कर्नाटक के श्रीरंगपट्टन की जामा मस्जिद को, जिसको टीपू सुल्तान ने बनवाया था, दोस्तों उन लोगों ने ये दावा कर दिया है कि ये पहले मंदिर था और मंदिर बनाकर जो है इसको मस्जिद बनाया गया। भगवाधारी अपना घटियापन दिखा रहे हैं, अपनी औकात दिखा रहे हैं और ये साबित करना चाह रहे हैं कि इस मस्जिद को भी यहाँ से तोड़ा जाए और इसमें जो है फिर से मंदिर बनाने की ये सारी बातें कर रहे हैं ये लोग। ये सारे जो गलत, जो एक तरह का प्रोपेगेंडा है मुसलमानों के खिलाफ, मुसलमानों के आस्था यानी अल्लाह का घर जो मस्जिद है उसके खिलाफ जो लगातार चलाया जा रहा है, ये जो है कर्नाटक दोस्तों पहुँच चुका है।